अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माई चैनल कुकिंग विद शहला। आज मैं आपको चना चाट बनाना सिखा रही हूँ, तो चले हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, इसे मैंने एक गिलास चने ले लिए और इसे थोड़ा सा नमक डाल के मैंने बॉईल कर लिया है। ये मुझे चाहिए 2 टेबलस्पून मुझे चाहिए इसके लिए हनी, और ये मुझे मैंने खुबानी ली है, 1/2 कप खुबानी ली है, और इसमें मैंने 1/2 टीस्पून शुगर डाली है और 1/2 टीस्पून मैंने क्रश चिली डाली है और थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, और ये मैंने इसको थोड़ा सा उबाल लिया है और मैश कर लिया है। चलें, इसको मैंने ना थोड़ा सा बॉईल करके, और अब मैं इसमें ना इमली का पल्प है और इसको मैंने भिगो के गुठलियाँ इसके लैदा कर ली हैं, ठीक है। ये मैंने 2 अदद खीरे लिए हैं और 1 मीडियम प्याज लिया और उसे चॉप कर लिया है, और 2 मीडियम मैंने टमाटर लिए हैं और इसके बीज निकाल के मैंने इसे काट लिए हैं, और ये सॉल्ट है हसबे ज़रूरत, और ये पुदीने की 1/2 गड्ढी ली है मैंने। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। और ये 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर है, आप इसे कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, और 1 टेबल स्पून ही शुगर है, आप इसे भी अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। ब्लेंडर में मैं खुबानी का पल्प डालने लगी हूँ, ये इमली का पल्प जो मैंने अलहदा से इसको गुटलियाँ निकाल के रेडी किया था, और ये मैं इसमें हनी ऐड करने लगी हूँ, और ये पुदीने की गुटी 1/2 गुटी मैंने ली थी और इसके पत्तों को अलहदा कर लिया था। और अब इसमें मैं इसमें 1/2 टीस्पून में ये ब्लैक पेपर ऐड करने लगी हूँ, और थोड़ा सा नमक 1/2 टीस्पून, और 1 टीस्पून मैं इसमें शुगर ऐड करने लगी हूँ। अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। चलें, ये मेरी अब चटनी ब्लेंड हो गई है, इसे मैं प्लेट में निकालने लगी हूँ। अब ये मेरी खुबानी की चटनी रेडी है, अब मैं इसे चनों में ऐड करूँगी। ये पहले सैलड ऐड करूँगी मैं, और अब ये चटनी है हसबे ज़रूरत, ये मेरी ज़्यादा बनी है, आप इसे कम भी बना सकते हैं। अब मैं इसे चटनी डाल के अच्छे से मिक्स करूंगी। आप इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं, और शकरकंदी मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैंने ऐड नहीं की, उसका भी बहुत मज़े का टेस्ट लगता है। मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है, आप भी मेरी रेसिपी को ट्राई करना और मुझे इसका फीडबैक देना। चना चाट रेडी है, आप इसे ट्राई करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।